प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। हैदराबाद में गाचीबौली इंडोर स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मुकाबला होगा पीकेएल 11 का, वो खेला जाएगा तेलुगु टाइटंस बनाम बेंगलुरु बुल्स के बीच में। एंड ये जो मैच है वो रात के 8 बजे खेला जाएगा। उसी दिन का दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली बनाम यू मुंबा के बीच में होने वाला है। एंड ये जो मुकाबला होगा वो रात के 9 बजे खेला जाएगा। बढ़ते अगले दिन की तरफ, 19 अक्टूबर यानी कि शनिवार का दिन होगा। दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तेलुगु टाइटंस भिड़ेगी तमिल थलाइवास के अगेंस्ट। एंड उसी दिन का जो दूसरा मुकाबला होगा, पिछले सीजन की फाइनलिस्ट पुनेडी पल्टन की टीम भिड़ेगी हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट। एंड ये मुकाबला रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगले दिन की तरफ बढ़ते, 20 अक्टूबर यानी कि रविवार का दिन। एंड इस दिन को भी दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स बनाम बेंगलुरु बुल्स के बीच में होने वाला है। अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिन है 21 अक्टूबर सोमवार का दिन। एंड दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला यूपी योद्धास वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में मुकाबला रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड उसी दिन का जो दूसरा मुकाबला होगा वो होगा पुनेडी पल्टन बनाम पटना पायरेट्स के बीच में। ये मुकाबला रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन है 22 अक्टूबर का दिन, जो कि ट्यूसडे होने वाला है। इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तेलुगु टाइटंस बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में मुकाबला होगा। ये मैच रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला यूपी योद्धास बनाम बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा। ये मैच रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन 23 अक्टूबर होने वाला है, वेनसडे। एंड इस दिन को भी दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस यू मुंबा, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला तमिल थलाइवास वर्सेस पुनेडी पल्टन के बीच में, जो कि रात के 9 बजे होगा। अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिन 24 अक्टूबर है, जो कि गुरुवार का दिन होने वाला है। दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस यूपी योद्धास के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 8 बजे होने वाला है। उसी दिन का दूसरा मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। अगला दिन होगा 25 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार का दिन। एंड इस दिन भी दो मैचेस हो गए। पहला मैच पटना पायरेट्स की टीम भिड़ेगी तमिल थलाइवास के अगेंस्ट। ये मुकाबला रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड उसी दिन का दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स की टीम भिड़ेगी पुनेडी पल्टन के अगेंस्ट। एंड ये मुकाबला रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन है 26 अक्टूबर यानी कि शनिवार का दिन। एंड इस दिन भी दो मैचेस हो गए। पहला मैच यू मुंबा बनाम बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। एंड दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस बनाम दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। एंड अगला दिन 27 अक्टूबर यानी कि रविवार का दिन। एंड दो मैचेस होने वाले। पहला मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। एंड दूसरा मुकाबला यूपी योद्धास की टीम भिड़ेगी गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट रात के 9 बजे। अगला दिन है 28 अक्टूबर का दिन, जो कि सोमवार है। दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। एंड जो दूसरा मुकाबला होगा वो कि तेलुगु टाइटंस वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में, ये होगा रात के 9 बजे। फिर अगला दिन है 29 अक्टूबर, जो कि ट्यूसडे है। इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पुनेडी पल्टन के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 8 बजे होगा। एंड जो दूसरा मुकाबला है वो है बेंगलुरु बुल्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में, ये मुकाबला रात के 9 बजे खेला जाएगा। फिर अगला दिन है 30 अक्टूबर का दिन, जो कि वेनसडे है। इस दिन भी दो मैचेस होने वाले हैं। पहला मैच गुजरात जायंट्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा। ये जो मैच है रात के 8 बजे होने वाला है। एंड दूसरा मुकाबला यूपी योद्धास वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में होने वाला है। ये मुकाबला रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन है 31 अक्टूबर, जो कि थर्सडे है। एंड गुरुवार के दो मैचेस होने वाले, जिसमें पहला मैच पटना पायरेट्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। ये मैच रात के 8 बजे होने वाला है। दूसरा मुकाबला यू मुंबा की टीम भिड़ेगी जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट रात के 9 बजे। फिर नया महीना लग जाएगा, जिसमें 1 नवंबर को कोई भी मुकाबला नहीं होने वाला है। 2 नवंबर को मुकाबला होगा, शनिवार के दिन रिज्यूम होगा, जिसमें पहला मैच बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। एंड दूसरा मुकाबला जो कि मैच नंबर 30 होगा, यूपी योद्धास वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। अगला दिन है 3 नवंबर का दिन, जो कि रविवार का दिन होगा। इस दिन भी दो मैचेस होने वाले। पहला मुकाबला पुनेडी पल्टन बनाम यू मुंबा के बीच में, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स, जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा।
अगला दिन है 4 नवंबर जो कि सोमवार का दिन है। इस दिन को भी दो मैचेस होने वाले हैं। पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 8 बजे होगा, एंड दूसरा मुकाबला पुनेड़ी पल्टन बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे मुकाबला होगा। अगला दिन होगा ट्यूजडे जो कि 5 नवंबर का दिन होने वाला है। इस दिन भी दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला यू मुंबा बनाम दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 8 बजे मुकाबला होने वाला है, एंड दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यूपी योद्धा जो कि रात के 9 बजे मुकाबला खेला जाएगा। अगला दिन है 6 नवंबर का दिन जो कि वेनसडे होने वाला है। इस दिन भी दो मैचेस हो गए। जो पहला मुकाबला होगा वो होगा तमिल थलाइवास वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच में, ये मुकाबला रात के 8 बजे खेला जाएगा, एंड जो दूसरा मुकाबला है वो पटना पायरेट्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा, ये मुकाबला रात के 9 बजे होने वाला है। फिर अगला दिन होगा 7 नवंबर का दिन जो कि गुरुवार है, एंड इस दिन भी दो मैचेस होने वाले हैं। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में, ये मुकाबला रात के 8 बजे खेला जाएगा, एंड दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा, ये मुकाबला रात के 9 बजे होने वाला है। फिर 8 नवंबर को भी दो मैचेस खेले जाएंगे जो कि शुक्रवार का दिन होगा। पहला मैच जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा, ये मैच रात के 8 बजे होने वाला है, एंड दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा, ये मुकाबला रात के 9 बजे होगा। फिर अगला दिन है 9 नवंबर का दिन जो कि शनिवार का दिन होने वाला है, एंड इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच तेलुगु टाइटंस बनाम पुनेड़ी पल्टन के बीच में जो कि रात के 8 बजे होगा, एंड दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे होगा। एंड इसी के साथ जो हैदराबाद का लेग है वो यहां पे ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन से नोएडा लेग होगा, एंड नोएडा लेग यानी कि नोएडा में मैचेस खेले जाएंगे। 10 नवंबर से मैचेस होने वाले जो कि रविवार का दिन होगा, दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच यूपी योद्धास बनाम यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 8 बजे होने वाला है, एंड दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे मुकाबला होगा। फिर अगला दिन 11 नवंबर जो कि सोमवार का दिन होने वाला है, दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में होने वाला है जो कि रात के 8 बजे होगा, एंड दूसरा मुकाबला यू मुंबा बनाम हरियाणा स्टीलर्स के बीच में मुकाबला खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे मुकाबला होगा। फिर अगला दिन है 12 नवंबर जो कि मंगलवार का दिन है। इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में होने वाला है, ये मुकाबला रात के 8 बजे खेला जाएगा, एंड दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस पुनेड़ी पल्टन के बीच में खेला जाएगा जो कि 50वां मुकाबला होगा, एंड ये जो मैच है वो रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन है 13 नवंबर का दिन जो कि बुधवार होने वाला है, एंड इस दिन को भी दो मैचेस होने वाले हैं जिसमें पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे, एंड दूसरा मुकाबला पटना पायरेट्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में मुकाबला होगा जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। फिर अगला दिन होगा 14 नवंबर जो कि गुरुवार का दिन होगा, एंड इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच यूपी योद्धास बनाम तेलुगु टाइटंस के बीच में खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला तमिल थलाइवास वर्सेस यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा, एंड ये जो मुकाबला है वो रात के 9 बजे होने वाला है। फिर अगला दिन है 15 नवंबर का दिन यानी कि शुक्रवार का दिन, एंड इस दिन भी दो मैचेस होने वाले हैं। जो पहला मुकाबला है वो पटना पायरेट्स बनाम बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे, एंड दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। अगला दिन है 16 नवंबर का दिन जो कि शनिवार का दिन है। इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा, ये मैच रात के 8 बजे होने वाला है, एंड दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा, ये मुकाबला रात के 9 बजे होने वाला है। फिर अगला दिन है 17 नवंबर का दिन जो कि रविवार का दिन होने वाला है। इस दिन भी दो मैचेस हो गए। जो पहला मुकाबला है वो यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 8 बजे होगा, एंड दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस पुनेड़ी पल्टन के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। फिर अगला दिन है 18 नवंबर का दिन जो कि सोमवार का दिन होने वाला है। दो मैचेस होने वाले हैं जिसमें पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा, ये जो मैच रात के 8 बजे होने वाला है। दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस की टीम भिड़ेगी हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट, एंड ये मुकाबला रात के 9 बजे होने वाला है।
फिर अगला दिन 19 नवंबर जो कि मंगलवार होने वाला है, इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पुनेडी पल्टन बनाम यूपी योद्धास के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। फिर बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में दूसरा मुकाबला होगा रात के 9 बजे। अगला दिन 20 नवंबर का दिन होने वाला है जो कि बुधवार होगा, दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटन्स बनाम यू मुंबा के बीच में होने वाला है रात के 9 बजे। फिर अगला दिन है 21 नवंबर का दिन जो कि गुरुवार है, जिसमें दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। एंड दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस तेलुगु टाइटन्स के बीच में होने वाला मुकाबला जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। फिर अगला दिन है 22 नवंबर के दिन जो कि शुक्रवार का दिन होने वाला है, इस दिन भी दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भिड़ेगी दबंग दिल्ली के अगेंस्ट रात के 8 बजे। एंड दूसरा मुकाबला होगा तमिल थलाइवास बनाम यूपी योद्धास के बीच में, ये मुकाबला रात के 9 बजे खेला जाएगा। फिर अगला दिन है 23 नवंबर का दिन जो कि शनिवार का दिन होने वाला है, इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मुकाबला है गुजरात जायंट्स भिड़ेगी तेलुगु टाइटन्स के अगेंस्ट, एंड ये जो मुकाबला होगा वो होगा रात के 8 बजे। एंड दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भिड़ेगी हरियाणा स्टीलर्स के अगेंस्ट, एंड ये जो मुकाबला होगा वो होने वाला है रात के 9 बजे। फिर अगला दिन है 24 नवंबर का दिन जो कि रविवार का दिन है, इस दिन दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पुनेडी पल्टन बनाम बंगाल वॉरियर्स के बीच में होने वाला, ये मुकाबला रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला पटना पायरेट्स बनाम यूपी योद्धास के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगले दिन की तरफ बढ़े तो 25 नवंबर यानी कि सोमवार, एंड इस दिन भी दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला यू मुंबा की टीम भिड़ेगी बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट रात के 8 बजे, एंड दूसरे दिन पुनेरी पल्टन की टीम भिड़ेगी जयपुर पिंक पैंथर्स के अगेंस्ट रात के 9 बजे। फिर अगला दिन है 26 नवंबर का दिन यानी कि ट्यूसडे, एंड इस दिन भी दो मैचेस होने वाले। पहला मुकाबला दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे, एंड दूसरा मुकाबला यूपी योद्धास बनाम तमिल थलावास के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। अगला दिन है 27 नवंबर का दिन जो कि वेनसडे है यानी कि बुधवार, इस दिन को भी दो मैचेस होने वाले। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स की टीम भिड़ेगी पुनेडी पल्टन के अगेंस्ट रात के 8 बजे, एंड दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स की टीम भिड़ेगी गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट रात के 9 बजे। फिर अगला दिन है 28 नवंबर के दिन गुरुवार के दिन दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला यूपी योद्धास बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में मुकाबला होगा जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा, एंड दूसरा मुकाबला यू मुंबा बनाम तेलुगु टाइटन्स के बीच में होने वाला है जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन है 29 नवंबर का दिन जो कि शुक्रवार का दिन होने वाले, दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तमिल थलावास बनाम हरियाणा स्टीलर्स के बीच में होगा जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला गुजरात जायंट्स बनाम पुनेडी पल्टन के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन है 30 नवंबर का दिन जो कि शनिवार का दिन है, एंड इस दिन दो मैचेस होने वाले। जो पहला मुकाबला होगा वो है पटना पायरेट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। उसी दिन का दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस तेलुगु टाइटन्स के बीच में मुकाबला होगा जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। एंड नोएडा लेक का आखिरी दिन होने वाला है 1 दिसंबर को जो कि रविवार का दिन है, एंड जो पहला मुकाबला होगा वो होगा तमिल थलावास बनाम दबंग दिल्ली के बीच में जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। एंड इसी के साथ जो नोएडा लेग है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 2 दिसंबर को कोई भी मुकाबला नहीं होगा, उस दिन ब्रेक डे होगा। एंड 3 दिसंबर से पुणे लेग स्टार्ट होने वाला है जिसमें पुणे में मैचेस खेले जाएंगे। तो 3 दिसंबर से पुणे लेग का आगाज होने वाला यानी कि मंगलवार, जिसमें दो मैचेस होने वाले, जिसमें पहला मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 8 बजे होगा। उसी दिन का दूसरा मुकाबला यू मुंबा बनाम पुनेडी पल्टन के बीच में खेला जाएगा जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन यानी कि 4 दिसंबर जो कि वेनसडे है, इस दिन भी दो मैचेस होने वाले। जो पहला मुकाबला होगा तेलुगु टाइटन्स बनाम यूपी योद्धास के बीच में, ये मैच रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में होने वाला है जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन है 5 दिसंबर जो कि गुरुवार का दिन है, इस दिन भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दबंग दिल्ली बनाम यूपी योद्धास के बीच में होने वाला है
जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन है 6 दिसंबर, जो कि शुक्रवार का दिन है। इस दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 8 बजे होने वाला है। एंड दूसरा मुकाबला तमिल तलावास वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 9 बजे मुकाबला होने वाला है। अगले दिन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिन है 7 दिसंबर, जो कि शनिवार का दिन है। पहला मुकाबला यूपी योद्धास बनाम पुनेडी पल्टन के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। उसी दिन का दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस बनाम बंगाल वॉरियर्स के बीच में होने वाला है, जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन 8 दिसंबर का होने वाला है, जो कि रविवार का दिन होगा। इस दिन मैच नंबर 99 एंड मैच नंबर 100 होगा। पहला मुकाबला पटना पायरेट्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। एंड पीकेएल 11 का 100वां मुकाबला यू मुंबा बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। अगला दिन है 9 दिसंबर, जो कि सोमवार का दिन होने वाला है। 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला रात के 8 बजे होने वाला है। एंड अगला मुकाबला पुनेडी पल्टन बनाम दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन होगा 10 दिसंबर, जो कि मंगलवार होने वाला है। 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। एंड दूसरा मुकाबला बंगाल वॉरियर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में मुकाबला होगा, जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन होगा 11 दिसंबर, जो कि वेनसडे होने वाला है। इस दिन भी 2 मुकाबला होगा। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 8 बजे होगा। एंड दूसरा मुकाबला यू मुंबा बनाम तमिल थलावास के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन यानी कि 12 दिसंबर, जो कि गुरुवार का दिन होगा, 2 मैचेस हो गए। पहला मैच दबंग दिल्ली वर्सेस तेलुगु टाइटंस, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला यूपी योद्धास बनाम बंगाल वॉरियर्स की टीम खेलेगी, जिसमें रात के 9 बजे मुकाबला होने वाला है। अगला दिन 13 दिसंबर होने वाला है, शुक्रवार का दिन। 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तमिल थलावास बनाम पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 8 बजे मुकाबला होगा। एंड दूसरा मुकाबला पुनेडी पल्टन की टीम भिड़ेगी बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट, एंड ये मुकाबला रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन यानी कि 14 दिसंबर, जो कि शनिवार का दिन होने वाला है, 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तेलुगु टाइटंस बनाम गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा, ये मुकाबला रात के 8 बजे होगा। एंड दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा, जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन यानी कि 15 दिसंबर रविवार का दिन होने वाला है। 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तमिल थलावास बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच मुकाबला होगा, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला यू मुंबा भिड़ेगी यूपी योद्धास के अगेंस्ट, जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन यानी कि 16 दिसंबर सोमवार का दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच में मुकाबला होगा, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला पटना पायरेट्स की टीम पुनेडी पल्टन के अगेंस्ट भिड़ेगी, जो कि रात के 9 बजे मुकाबला होने वाला है। अगला दिन यानी कि 17 दिसंबर, जो कि ट्यूसडे होने वाला है, 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला हरियाणा की टीम भिड़ेगी यूपी योद्धास के अगेंस्ट, एंड ये मुकाबला रात के 8 बजे होगा। एंड दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम भिड़ेगी बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट, जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन जो कि 18 दिसंबर होगा, वेनसडे का दिन। इस दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तमिल थलावास की टीम भिड़ेगी बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट, जो कि रात के 8 बजे होगा। एंड जो दूसरा मुकाबला होगा, जो कि पटना पायरेट्स बनाम तेलुगु टाइटंस के बीच में होने वाला है, जो कि रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन है 19 दिसंबर का दिन, जो कि गुरुवार का दिन है। इस दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स बनाम यूपी योद्धास के बीच में होने वाला है, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला यू मुंबा की टीम भिड़ेगी पटना पायरेट्स के अगेंस्ट, जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन 20 दिसंबर होगा, जो कि शुक्रवार का दिन है। जो पहला मुकाबला होगा वो होगा जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम बंगाल वॉरियर्स के बीच में, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। एंड दूसरा मुकाबला पुनेडी पल्टन बनाम तेलुगु टाइटंस के बीच में होगा, जो कि
रात के 9 बजे खेला जाएगा। अगला दिन 21 दिसंबर यानी कि शनिवार का दिन, इस दिन भी दो मैचेस हो गए। जो पहला मुकाबला होगा वो होगा पटना पायरेट्स वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में, जो कि रात के 8 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला दबंग दिल्ली वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा, जो कि रात के 9 बजे होने वाला है। अगला दिन यानी कि 22 दिसंबर जो कि रविवार का दिन होने वाला है, दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला तमिल थलाइवास वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे, एंड दूसरा मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। एंड 23 दिसंबर यानी कि सोमवार का दिन, एंड इस दिन भी दो मैचेस हो गए। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे, एंड दूसरा मुकाबला पुनेडी पल्टन वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में होगा रात के 9 बजे। एंड लीग स्टेज का आखिरी दिन होगा 24 दिसंबर जो कि मंगलवार का दिन होने वाला है। मैच नंबर 31 जो कि बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यूपी उदास के बीच में खेला जाएगा रात के 8 बजे। मैच नंबर 132 जो कि बंगाल वॉरियर्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे। एंड इसी के साथ जो लीग स्टेजेस के मैचेस है वो हो जाएंगे कंप्लीट। प्लेऑफ का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, ऑन सीजन के समय प्लेऑफ का शेड्यूल आने वाला है। एंड जितने भी पीकेएल 11 के अपडेट्स आएंगे वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जितने भी छोटे अपडेट्स आएंगे वो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कबड्डी फैंस के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। अभी आपके स्क्रीन पे वीडियो शो हो रहा होगा, अगर आपको वाला वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं उसे वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।